क्यों कपारा, ले क्यों चौकाली घुमाऊं जो आरा। आजकल का लौंडा तट सुमोट रे बे जतारा, लौंडा मोहना पर लौंडा मोहना, तेरे के मुए गई तेरे के मुए गई, इन लौंडन के को समझा लो क्यों हिटन बटा से चिल मारू माल रा हरियाली डांडो कपारा वे क्यों चौकाल। हुड़किया बोल जैसा कि उसके नाम से ही प्रतीत होता है, हुड़किया मीन्स हुड़का। हुड़का एक हमारा वाद्ययंत्र है पहाड़ का, जो यहाँ पे कलाकार अभी बजा रहे हैं। और बॉल शब्द है श्रम। पहाड़ी में बॉल कहते हैं मेहनत करने को, मजदूरी करने को, काम करने को या श्रम करने को, लेबर जिसे हम कहते हैं, उसका नाम है बॉल। तो उससे बना हुड़किया बॉल। पहले पर्वतीय क्षेत्रों में सामूहिक रूप से कार्य होते थे, चाहे शादी में लकड़ी फाड़ने का काम हो, धान कुटाई का हो, आटा पिसाई का हो, मसाले कुटाई का हो, या बारात के लिए खाना बनाने का हो, या दूसरे काम हो, साले सामूहिक रूप से ही होते थे। कोई किराए पे किसी को नहीं, कोई किराया नहीं दिया जाता था, कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी। तो उसी में जब श्रम पड़ता, जब धान की बुआई होती थी या गेहूं की कटाई होती थी, उस समय अचानक वर्कलोड पड़ता था, तो सारे लोग मिल करके दो चार लोगों के खेतों में इकट्ठे लगाते थे। तो धान की रुपाई में भी हुड़किया बॉल होता था। एक आदमी हुड़का लेके हुड़का बजाता था, बाकी लोग खेत में धान लगाते थे और वो नाचते गाते हुए धान लगाते थे। तो हमारे जो पुरानी पीढ़ी ने ये विधा हमको दी थी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इसको दें। और ये मूल रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में ही हुड़किया बॉल का आयोजन किया जाता था, लेकिन अब मैदानों में भी काफ़ी पहाड़ के लोग आ गए हैं और खेती कर रहे हैं। पहले टाइम पे तो यहाँ पहाड़ वाले सब छोड़ के चले गए थे कि यहाँ मलेरिया होता है, मच्छर हैं, बुखार आते हैं, घाम लगते हैं कहते थे। घाम बुखार को कहा जाता है, बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने को पहाड़ी में घाम, कि भाबर में घाम लगते हैं, इसलिए वहाँ नहीं रहना। ये तो हमारे सरदार भाई पाकिस्तान से पंजाब से आए और उन्होंने इन जंगलों को काट करके खेती के योग्य बनाया, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज हम इस प्रथा को भाबर में तराई में लाए हैं, ताकि हमारे सारे जो हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई, हम जो आज प्रेम और भाईचारे के साथ यहाँ रह रहे हैं, हम सब एक दूसरे की संस्कृति को जाने पहचाने समझें। इसलिए इस हुड़किया बॉल का आयोजन मैंने पिछले साल भी यहाँ कराया था अपने खेतों पे, इस साल भी कर रहे हैं। और जिस तरह से लोगों का इसको समर्थन मिल रहा है, उनकी भागीदारी इसमें बढ़ रही है, हम इसके स्वरूप को आने वाले समय में और बड़ा करें।